चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज नंबर 3 है दोस्तों, 1400 एपिसोड्स हो गए। ओ माय गॉड, वैसे बहुत सारी जबरदस्त खबरें लेके आया हूं आपके लिए, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज बताऊं आपको, ब्राजील के कोर्ट जो है ना जबरदस्त है, मतलब एप्पल हो माइक्रोसॉफ्ट हो कोई भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब एप्पल को उन्होंने $19 मिलियन का फाइन दे दिया है, क्यों पता है? ब्राजील में रूलिंग आई थी पिछले साल मेरे हिसाब से कि यूएसबी टाइप सी पोर्ट होने चाहिए सब जगह पे, या नहीं ये वो तो अलग न्यूज हो गई, एडाप्टर देना चाहिए था बॉक्स के अंदर और वो एप्पल ने नहीं दिया, वैसे ही आईफोन्स बेच दिए, तो क्या हो गया? $19 मिलियन की फाइन ठोक दी दोस्तों एप्पल के ऊपर, क्यों पता है? सोशल डैमेज किया, उसके लिए उन्होंने $19 मिलियन प्यूनिटिव डैमेजेस एप्पल पे ठोक दिए हैं, सोचिए। वैसे दोस्तों आई मैसेज आपको पता है, एप्पल के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं, आईफोन में आई मैसेज होते हैं, आप एडिट कर पाते हो, ट्विटर भी अभी एडिट बटन ला रहा है, अब ये एडिट का फैशन आ गया है ऐसे लग रहा है, क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप के मैसेजेस भी आप एडिट कर पाओगे। हाँ, टाइम लिमिट जो है वो 15 मिनट्स का ही है कि आपने मैसेज भेजा और आपको पता चला कि भाई कुछ चेंज करना है, 15 मिनट के अंदर आप एडिट कर पाओगे। ये फीचर व्हाट्सएप में बहुत जल्दी आ रहा है, अभी तक आया नहीं है, उसके ऊपर काम चालू है। ऑलराइट दोस्तों, लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं। अब रेडमी ने उनका A1+ लॉन्च कर दिया है। कुछ दिनों पहले A1 लॉन्च किया था, उसमें और इसमें बस एक ही डिफरेंस है दोस्तों, फिंगरप्रिंट सेंसर आ गया है, प्राइस थोड़ी बढ़ा दी है, 7000 रुपए हो गई है, 2GB RAM 32GB स्टोरेज, वो जो बेस वेरियंट है एंड्रॉइड 12 गो पे ही आता है, हीलियो A22 प्रोसेसर ही है, तो वो सब बाकी सेम है, सिर्फ फिंगरप्रिंट सेंसर के 500 रुपए बढ़ा दिए हैं, दैट्स इट। ऑलराइट दोस्तों, सडनली शाओमी क्यों कह रहा हूं, मीडियाटेक ने उनके डायमेंसिटी लाइनअप में और एक प्रोसेसर ऐड कर दिया, ये 5G प्रोसेसर ही है क्योंकि डायमेंसिटी है, ऑब्वियसली डायमेंसिटी 1080, ऐसे लग तो रहा है कि ये डायमेंसिटी 920 का सक्सेसर होने वाला है, और जैसे ही लॉन्च कर दिया इमीडिएटली ब्रांड्स टूट पड़े। रियलमी ने ऑलरेडी बता दिया है कि उनका एक फोन इसी नए चिपसेट के ऊपर आ रहा है, सो या लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, मिड रेंज बजट मिड रेंज टाइप ये चिपसेट है फॉर दोज फोन्स, सो लेट्स वेट एंड वॉच की पावरफुल कितना होने वाला है, जब हमारे पास पहला फोन आ जाएगा विद दिस चिपसेट बताएंगे सब कुछ आपको। ऑलराइट, बहुत दिनों से आइकू नियो 7 के बारे में बात चल रही है दोस्तों, आपको बता दूं कि ये अक्टूबर 20th में, जब कहता हूं इसका मतलब 20, जी हाँ 20th को चाइना में लॉन्च हो रहा है, उसके बाद में इंडिया में आने वाला है। ये जो है ये डायमेंसिटी 9000+ इस प्रोसेसर पे होगा, 50 MP के ट्रिपल कैमरा सेटअप है एंड 120W चार्जिंग होने वाला इसके अंदर, सो लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे दोस्तों आज का बैकग्राउंड और ये सब जगह थोड़ी अलग है, कुछ दिख रहा है? Yes, lot of new things are coming, they are coming, कुछ changes भी आ रहे हैं, मजा आने वाला है, it is going to be very very exciting. आवाज घूम रहा है क्या थोड़ा? Sorry for that. वैसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसलिए मैंने कहा बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, लाइक सब्सक्राइब विल बी फैंटास्टिक। धांसू, वैसे धांसू WTF न्यूज ऑफ द डे भी है, जी हाँ धांसू है, लेकिन ये हमारे लिए धांसू है, यूएस वाले लोगों के लिए नहीं, क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स ने एक नया प्लान लॉन्च कर दिया $7 का, $7 का दोस्तों, जहां पे $7 देख के आप एड्स देखोगे, एक घंटे में 5 मिनट आपको एड्स दिखेंगे, जब कोई सीरीज वगैरह आप देख रहे हो, एवरी आर 5 मिनट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट प्लस $7, अगर $7 आप कन्वर्ट करते हो तो 550-600 रुपए हो जाते हैं, और वो उस प्राइस में दोस्तों इंडिया में 4K प्लान मिल रहा है विदाउट एड, एड फ्री, सोचिए। इसलिए मैंने कहा हमारे लिए धांसू है, उनके लिए नहीं है, कैसे लगता होगा ना यूएस लोगों को, नेटफ्लिक्स यूएस कंपनी है और उनके साथ ये कर रही है, जहां पैसा है निकालो यही होता है। ऑलराइट, BIS पे एक नया पॉपुलर सीरीज जो होता है रियलमी का वो आ गया है, उनका जो नंबर सीरीज होता है उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि रियलमी 10 Pro Plus जो BIS पे आ गया है, FCC पे आ गया है, वो लग रहा है होने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 इस प्रोसेसर के ऊपर। अगेन प्रो प्लस मतलब इट इज काइंड ऑफ प्रीमियम मिड रेंज या फिर मिड रेंज कहूंगा मैं, सो 1080 जो डायमेंसिटी का प्रोसेसर है उसके ऊपर सबसे पहले आएगा, एंड अगर BIS पे आ गए इसका मतलब लॉन्च इज इमिनेंट, गोइंग टू प्रोबेबली हैपन इन अ मंथ टाइम, एक महीने के अंदर हो जाएगा शायद, दैट्स व्हाट आई थिंक। और दोस्तों अगर रियलमी के नंबर सीरीज में 1080 है तो मुझे लगता है कि शाओमी मतलब रेडमी की जो नोट 12 सीरीज होने वाली है उसमें भी 1080 यही प्रोसेसर होगा, और याद रखिए दोस्तों ये दोनों भी नवंबर में ही आने वाले, साथ में आते हैं, दे आर द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ ईच अदर, तो नंबर सीरीज एंड नोट नंबर सीरीज जो शाओमी की होती है एंड रियलमी की नंबर सीरीज, सो
लेट्स वेट, द बैटल इज गोइंग टू बी हार्ड। ऑलराइट, आपके सबसे फेवरेट सेगमेंट रैपिड फायर का वक्त होता है दोस्तों। जी हाँ, 5G बहुत सारे लोग, 5G नेटवर्क बहुत 4 सिटीज में आ गया है, एयरटेल का भी आ गया है, लेकिन अगर लोगों के पास आईफोन है वो अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एप्पल ने कहा है कि आईफोन के अपडेट्स दिसंबर में आ रहे हैं, वैसे ही सैमसंग के फोन्स के ऊपर भी अभी 5G नहीं मिल रहा है, लेकिन उनका भी अपडेट आ रहा है 5G एनेबल करने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी नवंबर, मिड नवंबर। ऑलराइट, ओप्पो की जो रेनो सीरीज, रेनो 9 सीरीज होने वाली है दोस्तों, उसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G ये प्रोसेसर होने वाला है। इंटरेस्टिंग। स्टारलिंक पता है आपको? जी हाँ, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट उन्होंने लॉन्च किया था, $99 मांगे थे, लोगों ने दिए, बाद में बंद कर दिया, लेकिन अब दोस्तों फिर से वो लाइसेंस अप्लाई करने वाले हैं इंडिया में, सो दैट इज गुड। फाइनली ऐसे लग रहा है कि स्टारलिंक को लाइसेंस मिल जाएगा टू गिव सैटेलाइट इंटरनेट इन इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट ने उनकी सरफेस लैपटॉप 5 सीरीज इंडिया में लॉन्च कर दी है। यस, देयर आर पीपल, नीश सेगमेंट के लिए होता है ये लैपटॉप एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव प्रीमियम, बट इट हैज बीन लॉन्च्ड। चलिए दोस्तों, आज के इस नए जगह में नई जो हमारी 1403 टेक न्यूज थी खत्म होती है इधर ही। कैसे लगी? अच्छी लगी ना तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।